हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज हम बात करने वाले यूट्यूब के एडिटिंग ऐप्स के बारे में। तो उसमें का जो बहुत लोग इसको बेस्ट मानते हैं, जो जिसका नेम है पावर डायरेक्टर, तो आज हम बात करने वाले पावर डायरेक्टर के बारे में। तो बहुत से लोगों को यूट्यूब पर ये प्रॉब्लम होती है कि हम पावर डायरेक्टर कहाँ से डाउनलोड करें या कैसे डाउनलोड करें। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊँगा जिससे आप अपना पावर डायरेक्टर बिना वाटर मार्क वाला डाउनलोड कर सकते। तो बहुत सी जगह पे तो पावर डायरेक्टर डाउनलोड करने के पावर डायरेक्टर का वाटरमार्क हटाने के पैसे मांगता है, या आपको इस जगह पे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास पावर डायरेक्टर है जिसे मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। तो आप देख सकते हैं, ये पावर डायरेक्टर मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। तो आप इसके अंदर इस तरह का इंटरफेस है। तो सिंपली आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेना है, जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और एडिट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। मेरा पहले से इस पर काम चालू था, इसलिए मैंने एडिट प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। आप नया प्रोजेक्ट भी ले सकते, तो मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नीचे राइट साइड में पावर डायरेक्टर नेम आ रहा है, तो आपको ये पावर डायरेक्टर पसंद नहीं है, नेम बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमारे एडिटिंग में ये नाम आ जाता है पावर डायरेक्टर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इस नेम को कैसे हटा सकते हो। ये पावर डायरेक्टर आप नेम अगर हटाओगे तो आपसे ये पैसे मांगेगा कि आप पे करने के बाद ये नेम हट जाएगा, बट आपको मैं फ्री में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक मिनट में कट कर देता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर नया पेज ओपन किया, तो मैं यहाँ पर सर्च बार के अंदर जाके सिंपली यहाँ पर मेरे ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते। और जैसे मैंने यहाँ पर जो लिंक थी मेरी उसको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। तो मैं अब आपको बताऊँगा कि पावर डायरेक्टर आप कैसे डाउनलोड करें। तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा वेट लेगा ये, और जैसे ही वेट लेने के बाद थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड फाइल अगेन। तो आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर देना। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रहा है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो सिंपली देखिए, मेरा पावर डायरेक्टर जो मैंने डाउनलोड किया था उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो सिंपली मैंने उसे ओपन किया। तो देखिए ये ओपन हो रहा है। तो आपको ये पूछेगा कि आपको इसे अलाउ करना है, तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। और जैसे आप इसे अलाउ करेंगे तो ये आपसे एक कोड लेगा जिससे आपका पावर डायरेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है, और एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक रेफरल कोड डाल देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर रेफरल कोड डाल दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कोड डाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर जैसे कोड डाल दिया, तो कोड डालने के बाद आपको एक्टिवेट पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर देना है। और ये जो कोड है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी रेशो लेकर इसे ओके कर देना है। और जैसे आप ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पर आपको कुछ भी ले लेना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने ये ले लिया, तो इसको प्लस पर क्लिक करके आप इसे ले लेना। और जैसे आप इसे ले लेंगे तो आप देख सकते हैं, तो देखिए अब हमने ये जो इमेज ले ली, अब आपको राइट में जो पावर डायरेक्टर का जो नेम दिख रहा था, अब वो नेम आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आप देख सकते पावर डायरेक्टर का नेम चला गया। तो इस तरह से हमने इस पावर डायरेक्टर को डाउनलोड कर दिया। अब आप इसे यूज़ कर सकते, और ये आपसे मतलब कोई भी एक्सपोर्ट करने की या किसके भी आप पैसे नहीं लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।